मैं आपका बच्चा हूँ, मैंने आपके घर में आया हूँ, आप मुझसे ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, दाऊद आपको बरकत दी। ये लो बोल। सो आज का मेरा टॉपिक है शादी और तलाक। सो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैं तलाक सुना रहा हूँ ये भी हमारी स्टूडेंट ने सुनाना था, लेकिन अचानक कोई मसला होने की वजह से वो बच्चा नहीं सुना पाया, जिसकी दिक्कत मैं सर अंजाम दे रहा हूँ, क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं सुनाएगा तो फिर सर को आगे करना पड़ेगा, फिर सर ने सारा को सुना। सो बताने का मकसद ये है कि मेरा टॉपिक है शादी और तलाक। आपने हवाला पढ़ा, उसमें लिखा था कि ब्याह करना, शादी करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। क्या? शादी करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। अब सोचने का मकसद ये है कि खुदाम का कातराम हमें यह क्यों कह रहा है कि जब शादी आप कर लें तो आपका घराना, जो आप हस्बैंड वाइफ हो, वो सबकी नजरों में इज्जत का बात समझी जाए, बरकत का बात समझी जाए। ये कहें कि ये जोड़ा बहुत खूबसूरत है, ये जोड़ा बहुत अच्छा है, खुदाम इनको बरकत ही है, खुदाम इनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या उसी तरह से लोग कि ये जोड़ा कोई आपस में लड़ता रहता है, जिसको गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, मैं उसको कहता तुम मर जाओ, कहते तुम मर जाओ। आज हमें देखना है कि हमारा शादीशुदा जोड़ा और जिनकी शादियां गई उनमें ना शामिल है किस तरह का है। सो मेरे साथ हवाला बता दें, 45:18-25 से आप हम गौर करेंगे। अगर हम पीछे चले जाएं 45 में तो वहां पर हमें आदम और हवा की कहानी होती है। आप सब मेरे साथ हैं, तो आप सबने जवाब देना है, पुराने ऐहद नामे में 45 में हमें किसकी कहानी मिलती है? आदम और हवा की। किसकी? आदम और हवा की। सो खुदावन ने आदम को अपने हाथों से बनाया, मट्टी से बनाया, फिर उसके लथों में जिंदगी का दम फूंका, ये सब आप जानते हैं। उसके बाद आज सीखने वाली बात यह कि खुदावन ने जब आदम को बनाया तो खुदावन ने फिर जानवरों को भी बनाया, और खुदावन ने यह देखा कि जानवरों में से कोई आदम की मानिंद है ये नहीं। शुक्र करो तो अभी पैसा का नहीं करा। खुदावन देखा जानवरों में से, हो सकता है शेर को भी देखा हो, हाथी को भी देखा हो, और दूसरे जानवरों को देखा हो सकता है। खुदावन ने देखा, लेकिन खुदावन ने कहा कि मुझे आदम की मानिंद कोई भी नहीं मिला। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, और खुदा ने आदम की पसलियों में से गोश्त लिया और उसमें से हवा को बनाया। अब सोचने वाली बात है, खुदावन ने फिर क्यों किया? खुदावन गैर चो जा सकता है, सोचो ही जा सकता है, सोचने वाली बात है। खुदावन ने उसे दरमियान में से ही क्यों लिया? दो बातें, पहली कि अगर वो आदम के पाँव में से लेता तो हो सकता है मत उससे अपने पाँव को झूठी समझ लेता, वो कहता कि तू मेरे पाँव से निकली है, तू मेरे पाँव से खुदावन मुझे बनाया, या अगर खुदावन उसे सर में से ले लेता, खुदावन से वो कुछ नहीं कर सकता है, या उसे सर में से ले लेता तो क्या पता होगा सर पर बैठ जाते, और कहती मैं तेरे सर का बनना। लेकिन खुदावन ने उसे दरमियान में से लिया, खुदावन ने उसे दरमियान में से इस वजह से लिया ताकि वो उसकी बराबर हो, उसकी मालिक हो, उस जैसे वो है वैसे ही हवा भी हो, जैसे भाई है वैसे ही बहने भी हो। अगर मैं गुलाम कर सकता हूँ तो बहने भी गुलाम कर सकती है, अगर मैं अच्छी जॉब कर सकता हूँ, अगर खुदावन ने मुझे अच्छी अकल दी है, खुदावन ने मुझे बादशाहों बनाया है, इस तरह से खुदावन ने बहनों को बनाया है, बहने भी इस तरह से सब कुछ कर सकते हैं जिस तरह से भाई कर सकते हैं। क्यों? जो खुदावन ने उसे आपके बराबर बनाया है, मेरे बराबर बनाया है, ना कि नीचे से ऊपर से लिया है। खुदावन ने उसे उसकी मायल बनाया, उसके जैसा बनाया, और खुदावन के पाकलाम में लिखा है, खुदावन कहता है अब ये मेरे हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त। सो मेरे साथ एक हवाला निकाली, मैं चाहूँ कि जिनके पास खुदावन का पाकलाम है वो उसकी 5 बाब उसकी 18 निकाले जल्दी से। मैं चाहूंगा कि आपके तवज्जा मेरी तरफ रहे, इफिसियों 5 बाब उसकी 18 है। अगर किसी ने निकाला है तो पढ़ सकता है, अगर किसी ने नहीं निकाला तो मैं पढ़ देता हूँ। शोहरों को लाजिम है कि वो अपनी बीवी से अपनी माने मोहब्बत रखें। यहाँ पर बात आ रही है हस्बैंड की। खुदा का पाकलाम कह रहा है
कि शोहर को हस्बैंड को लाजिम है कि वो अपनी बीवी से अपने मानिक मोहब्बत रखे। अब यहाँ पर खुदावंद का प्रोग्राम कह रहे कि अपनी मानिक। अब बात सोचने वाली है कि आज का जो हमारे लड़के हैं, नौजवान भाई हैं, किसी ने अपने हाथ पर नाम लिखवाया हो, किसी ने अगर उसे गुस्सा आ जाए, शादी जो उसकी हो चुकी है, तो वो गुस्से से अपने हाथ काट लग जाता है, अपने आप को मारना चाहता है, अपने आप को नुकसान देने लग जाता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर वो खुद का ध्यान नहीं रख सकता तो वो अपनी वाइफ का क्या ध्यान रखेगा। अगर वो खुद को नुकसान पहुंचाता है तो हो सकता है गुस्से में कभी कभी अपनी बीवी को भी मारता हो। यही बात बहनों के लिए जो कि आजकल प्रणाली छतियां पहले कहते हैं तू सारे करते हुए सकते हैं, अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वो भी ऐसे करते हैं, वो भी अपना हाथ काट लेती हैं, या हो सकता है बंदे को मारा नहीं मारने चाहो तुम्हारा। खुदाओं का पाकलाम कह रहा है कि शोहर पर लाजिम है, मतलब शोहर पर बीवियों पर लाजिम है कि वो अपनी मानी से मोहब्बत रखते हैं। जिस तरह वो अपनी मिसल से मोहब्बत रखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप से मोहब्बत रखते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी कहता हूँ कि मुझे पूछना। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत रखते हैं अपने आप से, मतलब वो अपने आप को कुछ होने नहीं देते, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी बीवियों को भी कुछ होने नहीं देते। और अगर आगे हम देखें एक और हवाला है, उसमें इंसान पांच बार उसके कहा लिखा है, जिस बीवी से तुमने जवानी में शादी की उम्र भर उसके साथ खुश रहे। जिस बीवी से तूने जवानी में शादी की उम्र भर उसके साथ खुश रहे। अगर मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, वाक्य कुछ ऐसा है कि मैं बयान स्कूल में खिदमत करता था, आपको मामले पता है, पास्टर भी चले गए तो मैं नहीं मान हो जाता। वहाँ पर एक शख्स था, मुझे जब मैं वहाँ पर नहीं मैंने खिदमत शुरू की तो मुझे पता चला कि उसकी दो शादी हो चुकी है, क्रिश्चियन है वो और उसके बच्चे ही मेरे स्टूडेंट हैं। और जब मैं थोड़ा वक्त और हुआ, मुझे तीन चार महीने और हुए, तो पता चला कि उसने तीसरी शादी भी करी और उसके चार बच्चे भी मेरे पास आ गए। हम सोचते हैं कि गैर कौमों में चार शादियाँ होती हैं, तीन शादी होती हैं, दो होती हैं, लेकिन हमारी कौम के जो लोग हैं आजकल वो भी ऐसा करते हैं। यहाँ पर खुदा का पाकलाम के तहत जवानी में जिसे तुमने शादी की है उम्र भर उसी के साथ खुश है, किसी को अगला नहीं। और यहाँ पर आजकल क्या होता है कि हम एक को छोड़कर दूसरी के साथ चले जाते हैं, अभी कहने के लिए तो काम का आ गया, असल तो परेशान आ गया, मैं तेरे तलाक दे दूंगी, मैं तेरे छोड़ देना, लेकिन पूछी को देने तो पूछी को सुकून नहीं मिलता। अब सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि तेरे को कहे क्या। मिलाती उसका दो बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदावंद को लिखा है कि मैं तलाक से बेजार आ गया हूं और उससे भी जो अपनी बीवी को मारता है। मैं नहीं कह रहा, खुदावंद का पाकलाम कह रहा है कि मैं तलाक से बेजार आ गया हूं। किससे बेजार आ गया हूं? आवाज नहीं, आप सब बेजार नहीं है, किससे बेजार आ गया हूं? हालेलुया, लगभग लोग सो रहे हैं आज, लगभग शादी के गुलाम में था। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें, ये खासतौर पर एनी जिन्हें शादी हो गई जिनका दिन होना चाहिए, ये मेरे 10-12 साल हो गए, सिर्फ ये उनके लिए, ये सब के लिए। अगर आप गौरी से कलाम को सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो आप नहीं पाएंगे, इधर से सुनेंगे और उधर से निकाल देंगे। मेरे यहाँ पर आधा घंटा 15 मिनट चिल्लाने का छीकने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप कलाम का पाकलाम और सुनेंगे नहीं। सुबह बात कर रहा था कि खुदाम का पाकलाम कहता है, खुदा कहता है कि मैं तलाक से बेजार आ गया हूं और उससे भी जो अपनी बीवी को मारता हो। और एक जगह मती के लिए उसका 19 बाप उसकी 6 आयत में खुदा कहता है कि जिसको मैंने छोड़ा है उसको कोई आदमी छुड़ा ना करे, जिसको मैंने छोड़ा है उसको कोई आदमी छुड़ा ना करे। अब सोचने वाली बात नहीं, यहाँ पर दो बात याद रही, अब एक तरफ खुदा कह रहा है कि मैं तलाक से बेजार आ गया हूँ, एक तरफ खुदा कह रहा है आपसे कि जिसको मैंने जोड़ा है उसको आप किसी वकील से या किसी और बंदे से या पैसे लेकर जुदा ना करें, क्योंकि इस शख्स को, इस बहन को, इस बेटी को, इस भाई को मैंने जोड़ा है, पर जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आप इंसान कौन होते हैं जुदा करने वाले। अब सोचने वाली बात यह है कि आजकल तो ऐसा हो गया है कि शादी होती है, शादी का 1 साल हुआ, 3 महीने या 1.5 साल, बच्चे होते हैं और हस्बैंड वाइफ के आपस में बनती है,
उनकी आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, वो एक दूसरे से डरते हैं। वो कहते हैं मतलब आपस में उनकी होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो ठीक नहीं बोलते हैं तो मुझे हिमाचल में चल रहा है, मेरी पता नहीं क्या हम बोलते हैं कि जितने मेरे घर में शादी हो, ऐसे बोलते नहीं बोलते, और हो सकते हैं बीवी भी ऐसा बोलती हूँ, हस्बैंड भी ऐसे बोलते हो कि वो कौन सा मनुष्य जीता जिसने मेरी तुमसे शादी हो गई। और कभी कभी वो बच्चों को भी मारने, बच्चों को भी गाले, पता नहीं कितने मैंने क्या मेरी गलती रहा है। अगर हम अपने बच्चों को ऐसे बोलते हैं तो खुदा कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मुझे मनाना करो, क्योंकि आसमान की बादशाह ऐसा होती है, वो चिंतित आसमान की बादशाह है, उन्हीं लोग कहते हैं कि तो मेरी गलती रहा है। सोचने वाली बात यह है कि हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा होने की वजह क्या है, क्या सी वजह है? अगर खुदा ने उनको छोड़ दिया है, फिर भी वो उसके साथ नहीं है, तो क्या सी वजह है कि वो खुदा में वफादार नहीं है, वो एक दूसरे के साथ वफादार नहीं है, उनके बच्चे वफादार नहीं है? अब आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी वजह है कि वो आपस में वफादार नहीं है? वजह यह है कि वो घर पर भी दुआ नहीं करते। मैं आपको समझता हूँ कि हमारे घरों पर भी अगर हम देखें, हम खुद भी बैठते हैं साथ में, हस्बैंड को बिठाते हैं साथ में, बच्चे भी बैठे होते हैं, टीवी देखे होते हैं, और टीवी पर खास होकर स्पेशली तीन चार ड्रामे लगे होते हैं, जो खास खास ड्रामे, नारी का ड्रामा है और भी दूसरे पता नहीं कौन से ड्रामे हैं जिनके नाम को पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं देखता। तो वो खुद ही बैठते हैं, कहते हैं ऐ मेरी सास, ऐ मेरी माई, तो दूसरों को बताते हैं। जब आप खुद ही बैठेंगे, अपने बच्चों को बैठाएंगे, तो आपके बच्चे ने वही सीखेंगे जो आप सीख रहे हैं। जब आप उनको बैठे बैठाएंगे नहीं, अपने घर में दुआ नहीं करेंगे, उनको ये नहीं कहेंगे कि बेटा आप बैठो हमारे साथ दुआ करो, आपको हम खुदा के बादशाह के बारे में बताते हैं, बेटा शुक्र है खुदा का, खुदा ने मेरी जिंदगी दी है, इतना मुझे टाइम हो गया है, और खुदा ने मुझे बरकत दी है कि मैं तुम्हें इतना तो बता सकूं कि यीशु हमारे लिए चाहती है। जब आप उसको बिठाना ही नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए चाह दी? अगर किसी एक वाक्य है, एक बहन से पूछा गया कि तो यीशु की नहीं मरे, उन्हें की जीता सी सुने तो बड़ा अच्छा सी, और फिर मार के नहीं गया, क्योंकि उन्होंने गुनाह बहुत किया होना मार गया। जब हमने चर्च में नहीं आना, जब हमें सीखना ही नहीं है, हमें जानना ही नहीं है कि हमारे यीशु ने हमारे लिए जान दी, उसने हमारे लिए अपना पाप नहीं पाया, उसने ताकि इसलिए पाया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए, हलाक ना हो, हमारे बच्चे आपस में लड़े ना, उनकी जिंदगियां खराब ना हो, वो शराबी ना बने, वो चर्ची ना बने, वो माई ना बने, वो कोनों पर बैठ कर किसी की माँ बहन बेटियों को ना छेड़े। जब हम उनको अपने पास बिठाएंगे, एक दुआ का टाइम बनाएंगे, कहेंगे अपने शोहर से, बीजा अपने शोहर से कहेंगे, शोहर अपनी बीजों से कहेंगे कि आप बैठे यहाँ पर मेरे साथ दुआ करो, अपने बच्चों को बिठाएंगे। जब हमें जब माँ बाप को कोई बात नहीं मनवा रही होती ना, हमको गलत लगती है बात, तो बच्चों को मान कर भी समझा देते हैं और समझ ही जाते हैं बच्चे, तो आप उनको इस चीज़ के लिए मार कर यह नहीं कह सकते कि बैठो दुआ करो, दो मिनट की दुआ करो, एक मिनट की दुआ करो, बेटा ये हमारा टाइम है, हमारा 11 बजे का टाइम है, आपने कहीं भी नहीं जाना, आप यहाँ पर बैठो, अपनी बीवी को बिठाएं, अपने हस्बैंड को बिठाएं, बच्चे बैठे सारे एक साथ बैठे और दुआ करें, फिर देखें, फिर आप मुझे कहने आकर कि भाई मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया है, भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है, भाई मेरे बच्चे आपस में लड़ते हैं। जब आपने खुद नहीं आना गुदाम के घर में, तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं यीशु के प्यार के बारे में, यीशु की तारीफ के बारे में? सोचने वाली बात है, अगर आपकी बीवी खराब है, अगर आपका हस्बैंड खराब है, तो आप उसके लिए दुआ करें, आप उसके लिए दिन रात दुआ करें। जब हम खुदा से मांगते हैं, अगर हमें कोई बीमारी हो, अंदरूनी बीमारी हो, कैंसर हो, बड़े बीमारी हो, आपने यहाँ पर मौजे देखे, बड़े बड़े मरीज यहाँ पर कुत्ते बन के जाते हैं, घुटने के लिए बीमारी, तो आपकी बीमारियां तो कुछ भी नहीं। अगर आप खुदा को जरूर मानेंगे, जब हम अपने खुदा से मांगते हैं, वो देता जाता है, देता जाता है, जब तक हम मर नहीं जाते, हमारी उम्र 60 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, वो हम उससे मांगते रहते हैं सारी जिंदगी, वो सारी जिंदगी हमें देता है और करता नहीं है, तो हम उसे इतनी सी बात नहीं कर सकते कि अब आप मैं तेरे से दरख्वास्त करती हूँ तो मेरे हस्बैंड को ठीक कर दे, अब आप मैं तेरे से दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी बीवी को ठीक कर दे, वो गलत राह पर चल रही है, वो बुरी राह पर चल रही है, वो गलत काम कर रही है, अब आप मैं तेरे से दरख्वास्त करता हूँ कि तुझे यीशु नाम से बाहर कर दे, ठीक कर दे, उसकी सोचों को बदल दे। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये लाजिम है कि आपकी बीवी ठीक हो जाएगी, आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे,
मेरी आपसे बकवास है कि आप एक टाइम बनाए, जब आप खुदा के सुनिए टाइम मुकर्र करेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे ट्रेनिंग ऐसे पढ़े ऐसे जो कंपनियों में जाते हैं और ओवर टाइम किए जाते हैं, कभी कभी रात को 10 बजे 11 बजे तक जाते हैं, कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं। सो मैं आपको बहुत ही आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसे अपने घरों में लेकर जाएं, अमल करें, खुदा आपको सिर्फ आप जो हस्बैंड वाइफ से हैं वो दुआ का एक टाइम बना लें, चाहे वो 11 बजे का बना लें चाहे वो 12 बजे का बना लें। जब आप दुआ का टाइम बनाते हैं और एक टाइम पर फैमिली प्रेयर करते हैं, खानदानी दुआ करते हैं, तो खुदा उसे बरकत देता है। आप 11 बजे का भी टाइम बना लेंगे, 12 बजे का भी टाइम बना लेंगे, क्योंकि इस टाइम ना तो आपने कहीं जाना होता है, ना तो आपने कहीं से आना होता है, आप अपने घर में होते हैं, सारे काम का चक्कर क्योंकि यही टाइम होता है 11 से 12 जब हम सोने का टाइम होता है। और अगर हम उस टाइम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए, 5 मिनट भी आपके ज्यादा होंगे, 2 मिनट के लिए अगर आप सारा खानदान खुदा के सिर बैठेगा, दुआ करेगा, तो मैं ईमान से कहता हूँ कि आपके घर में कभी परेशानियां नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगी। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी यीशु ने मुझे उठा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप सब जानते हैं, फिर भी खुदा यीशु मसीह ने मुझे उठा कर रखा है, खड़ा किया हुआ है, हिम्मत दी कि मैं आपके हजूर खड़ा होकर। और आपको ये बहुत बड़ी बात होती है कि बाप के बगैर घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं वहां से ट्रैवल करके यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से रात को 11 बजे घर पर जाता हूँ। जब यहाँ से मैंने रात को 11 बजे घर पर जाना तो मैंने कुछ करना नहीं होता, सिर्फ सोना होता। शाम ड्यूटी भी करता हूँ मैं और थपड़ा भी करता हूँ। और मैं आपको अपने यीशु को, मैंने थोड़ी देर पहले मैं अपने भाइयों को समझाना था, मैं कह रहा भाई कि यीशु को यीशु का टाइम दें और अपनी जॉब को जॉब का टाइम दें। आप 1 घंटे की बात होती है, आज 8:30 बजे शुरू हुआ है, सिर्फ 4 मिनट रह गए, 8:30 बजे शुरू हुआ है, 9:30 बजे खत्म हो रहा है, 1 घंटे की बात होती है अपने लिए। सो आपसे गुजारिश है 1 घंटा यीशु को जब नाम करा जाए, 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटा हम सो के भी गुजार देते हैं, 1 घंटा हम इधर उधर बैठकर भी निकालते हैं, बाहर बैठे होते हैं, ताश खेल लेते हैं, पत्ते खेलते हैं, ऐसे दर्शन लगाने के लिए बाहर बैठ जाते हैं। 1 घंटे की बात है, अगर हम 1 घंटा यीशु को देंगे तो उस 1 घंटे से आपको कितनी बरकतें मिलेंगी, ये मेरे ध्यान से बात है। बशर्ते अगर आप चाहते हैं तो, वरना वही आपके घर पर मुसीबतें लाने के, आपके बच्चे बीमार, आप खुद बीमार, आप परेशान, गुर्बत, कामों की टेंशन, चीजों की टेंशन, तीन टेंशनों में आप हैं, फिर आप खुदावन से बरकत नहीं हासिल कर सकते। खुदावन का शुक्र है कि मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, क्योंकि मैं यीशु में हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मुझे टेंशन होती थी ना, मैं अपने खुदा की जोर दरख्वास्त करता हूँ, थोड़ी देर में दूर हो जाती है। जब आप यीशु में होंगे तो आपकी भी टेंशन दूर हो जाएगी, जब आप यीशु में होंगे नहीं तो आप परेशानी में रहेंगे, आप तकलीफों में रहेंगे, आप कभी परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते। मैंने लास्ट टाइम भी काम किया था कि सोने से पहले सिर्फ आप दुआ करें कि अब आप मुझे अपने बापों की याद में रखें, ताकि जब मैं सोऊं तो शैतान मुझे तंग ना कर पाए, ताकि जब मैं सोऊं तो अपलीस मुझे बुरे बुरे पापों से डराए ना। लेकिन हम अमल नहीं करते। अगर हम सिर्फ रात को खुदावन को सिर्फ 2 मिनट देंगे, 2 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट अगर आप यीशु को देंगे, फैमिली दुआ करेंगे, प्रेयर करेंगे, आप घर पर जाकर ट्राई करेंगे, उनका ये मेरा नहीं खुदा की पाक नाम का है, आप ट्राई करें और फिर आप उसका रिजल्ट देंगे। सो आज खुदावन के पाक नाम की वसीला से खुदावन आप तमाम को, बच्चों को, बड़ों को, माओं को, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, सबको बरकत दें और खुदावन आपको भी अपने हिदायत में इस्तेमाल करें। सो आइए प्रसिद्ध करेंगे उसी के साथ अपनी नबी नजरानी खुदा के जरूरत।